हेलो दोस्तों, इस बार बताने वाला हूँ कि हम लोग किसी इंटीरियर के अंदर, जैसे कि ये एक इंटीरियर देख सकते हो, उसके अंदर हम लोग पीपल को कैसे प्लेस करेंगे। पीपल, एनिमेटेड पीपल, जो हम लोग को 2017 में, 2014 में एनिमेटेड पीपल्स मिलते हैं जो पॉपुलेट क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम लोग कैसे सेटअप करते हैं, क्या रहता है, कैसे सेटअप करना पड़ता है उसके एरिया के हिसाब से। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixany.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये देख सकते हो क्या मस्त रेंडर दिख रहा है, काफ़ी कुछ। इसको मैंने निकाला कुछ 6 मिनट के आसपास, 6 मिनट में ये पूरा रेंडर कम्प्लीट हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको मुझे क्या करना है, इसके अंदर मेरे को पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट, मैंने पॉपुलेट के बारे में आपको प्रीवियसली एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, ये सब पॉपुलेट टूल कैसे कैसे क्या क्या फीचर्स है, उसके अलग अलग चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब पूरा डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बनाया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इधर पे आई बटन पे उसका लिंक देख सकते हो, उधर पे आप क्लिक करके जा सकते हो। डिटेल में आपको ये पॉपुलेशन टूल के बारे में जानना है तो कि ये क्या होता है, ये कट क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला। जो इस सीन में यूज़ होने वाला है वही थोड़ा बहुत पता चलेगा आपको। अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो आप वहाँ पर जाकर लिंक पे जा सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर प्लेस कैसे करेंगे हम लोग, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो प्लेसिंग करने का ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि बस हम लोग को क्या मिलता है ये देख सकते हो, क्रिएट फ्लो मिलता है, ये सब सारी चीज़ें मिलती है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टॉप व्यू से जाऊँगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ये ना, थोड़ा सा इसका टूल बार ना, थोड़ा सा इसको सेटअप कर लेता हूँ परफेक्टली, कि मेरे लिए काम करने में काफ़ी बड़ा सा सीन मिल जाए। ओके, ये हो गया। तो अभी मैं टॉप व्यू से जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा हल्का फुल्का, इधर पे कैफेटेरिया है और इधर पे कुछ बैठने के लिए सीटिंग है, इधर पे पार्टीशन बनाया हुआ है, इधर पे क्या बोलते हैं वेटिंग एरिया समझ सकते हो, हाँ यस वेटिंग एरिया। तो ये वो है, ये है बड़ा सा रिसेप्शन। अभी इधर से कोई अगर पीपल का चलने का वॉक थ्रू करा जाए, यानी कि इधर पे कुछ पीपल्स चल रहे हैं यहाँ पर, इधर पे इसके बीच से निकलना चाहिए और इधर से यहाँ पर बाहर चले जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप करने वाले इधर पे हम लोग, तो ऐसा कुछ सेटअप कैसे करेंगे, ये करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। इधर पे आपको ध्यान देना है, आपको सबसे पहले तो समझ लेना है कि ये एरिया है कितना बड़ा। तो ये एरिया को हम लोग को पहले नाप लेते हैं कितना बड़ा एरिया हो सकता है, तो इसको इसको हम लोग नाप लेते हैं और इसके इसके बीच में कितना बड़ा एरिया बच रहा है, क्योंकि हम लोग को ऐसे क्रॉस करना है, तो ये भी हम लोग को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन से हम लोग को खींचना रहेगा। अभी यहाँ पर हम लोग जब नाप रहे हैं अपने इससे रेक्टेंगल से, तो इधर पे आप देख सकते हो कुछ 1300 या 1400, 1360 के आसपास इतना बड़ा डिस्टेंस हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, 1360 का डिस्टेंस मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर, 1360 ले सकते हैं या फिर हम लोग ले सकते हैं 1500 भी ले सकते हैं। तो 1500 का डिस्टेंस पे हम लोग इधर पे एक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर हाँ 2000 भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि जाके थोड़ा सा गैप छोड़ के ही हम लोग को मिलता है उन लोग का चलने का मूवमेंट। ये 2000 परफेक्ट है। इधर पर 2000 देखो, यहाँ पर 2000 लेंथ विथ यहाँ पर हम लोग ने सेट करके रखा है पहले से ही। ठीक है, 2000 इधर पे आगे और भी ऑप्शंस है कि नहीं ये देखिए, 2000 इससे और भी बढ़ाना है, अगर काफ़ी बड़ा एरिया है तो उस जगह के लिए हम लोग को इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इधर पर मैंने अपने इसको ले लिया फ्लो क्रिएटर को, यानी कि फ्लो क्रिएट करेंगे इससे, यानी कि इधर से हम लोग का जो पीपल्स के वॉकिंग का फ्लो आएगा, कैसे आएगा, कितने साइज में आएगा, वो ये है। ठीक है, तो अभी इस को क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग इस सीन में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इधर पे क्लिक करते, अभी हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, अभी इधर पे क्लिक क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करके यहाँ से हम लोग इसके एंड से, जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा है इसका एंड यहाँ से, ठीक है, क्लिक किया वन क्लिक और मेरा जैसे ही इस जगह पे आएगा यहाँ पर इसके यहाँ से, ठीक है, तो थोड़ा सा क्रॉस होगा, हल्का सा क्रॉस। हम लोग को इसके फ्लो को देखते रहना है, क्योंकि हाँ ये परफेक्ट, माउस का मिडल प्रेस बटन प्रेस करके मैंने ट्रैक कर रहा हूँ ऐसे, ताकि मैंने कुछ नहीं, माउस का मिडल बटन प्रेस किया था तब मेरा हैंड टूल आ गया था, ये देख सकते हो माउस के मिडल बटन से। तो फिर अभी मैं इसके फ्लो को सीधा कर रहा हूँ इस तरह से, फिर इधर से थोड़ा सा ऐसे क्रॉस होगा,
लाइक दिस। यहां से कुछ मैं ऐसा फ्लो देने वाला हूं कि यहां से ये लोग बाहर निकल जाएंगे यहां से, ठीक है, यहां से ये लोग बाहर चले जाएंगे। ये अभी देख सकते हो हम लोग का फ्लो बन गया, एक दो दो पीपल्स यानी दो, यानी कि यहाँ से जाते हुए यहाँ से आते हुए, ये काफ़ी परफेक्ट है, ठीक है। पर्सपेक्टिव में चलते हैं, ओ माय गॉड, ये यानी कि काफ़ी हवा में आ गया है। हवा मीन्स यानी कि हवा में भी, इतना हवा में नहीं, यानी कि अपने छत के ऊपर क्रिएट हो गया है। तो मूव टूल यूज़ करेंगे, मूव टूल से हम लोग मूव करेंगे अपने इस फ्लोर के ऊपर, डालेंगे इसको फ्लोर के ऊपर लगाएंगे। तो फ्लोर के ऊपर हम लोग लगाने के लिए पहले इसको करेंगे 0, ठीक है, परफेक्टली ये देख सकते हो। या फिर थोड़ा सा इंटरसेक्ट भी होगा चलेगा, फिर हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, मगर हम लोग इतना भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहते इसको। थोड़ा सा हम लोग 0 से, ओके, थोड़ा सा 0 0 नहीं, या फिर 1 वैल्यू दे सकते हैं, ओके, काफ़ी परफेक्ट होगा। ये बोलोगे ये हम लोग को रेंडर में शो होगा? नहीं, ये रेंडर में शो नहीं, ना ही इसका कोई मतलब है, ये आपको शो होने वाला नहीं है प्लेन। इसको आप बाद में डिलीट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक तरह का कंट्रोलर है, आपको अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव करना हुआ अपने पीपल्स के ग्रुप को, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि फ्लोर से थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। एक पीपल हम लोग ने यहाँ पर क्रिएट किया, एक पीपल मैं सोच रहा हूँ ना कि कुछ सिटिंग पे बैठा के उसको दिखा दे कि इधर फ़ोन पे बात कर रहा है, या फिर ऐसे बात कर रहा है, या बैठा हुआ है इधर वेटिंग कर रहा है, तो ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं। क्रिएट आइडियल यानी कि इधर पे क्लिक कर सकते हैं, मैं पीपल्स के इधर पे आपको सीटिंग मिल जाएगी। देखिए सीटिंग पे आ गया। अभी यहाँ पर अभी इसका फेसिंग कैसा है आई डोंट नो, अभी ये जब क्रिएट होगा तो सब में आएगा। अभी एक और मैं यहाँ पर भी क्रिएट कर देता हूँ, जो इधर पे थोड़ा सा, इधर पे क्या हो रहा है, थोड़ा हाइटेड में आ रहा है, तो नॉट अ बिग इशू। तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लूँगा तरह से, और थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा, मेरे को कैसा चाहिए इसको फिटिंग्स इस तरह से। ये भी मेरे को लगता है कि शायद से उल्टा हो, क्योंकि इसका मेरे ख्याल से फेसिंग जो जिस तरफ नोक है उसका फ्रंट है, ठीक है, ओके डन, ये सही है। थोड़ा सा मुझे ये करना है इसको अंदर, फाइनली चलेगा। एक तो यहाँ पर हम लोग सिट करा दिए, और कुछ मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट भी एक एक आग खड़ा करा देते हैं, या फिर कोई बैठा हुआ, या फिर कोई खड़ा हुआ दिखा देते हैं, कोई यहाँ पर खड़े हुए है या फ़ोन पे बात कर रहा है रिसेप्शनिस्ट, ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोग, या फिर इधर बैठे हुए भी दिखा सकते हैं। तो बैठे हुए भी हम लोग यहाँ पर एक और सेटिंग ले लेते हैं, को भी हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं लाइक दिस। अभी इसके अंदर जो कलर है ना, ये कलर के बारे में मैं बता चुका हूँ। पिंक कलर मतलब क्या होता है, पिंक कलर मतलब है कि गर्ल्स है, ब्लू कलर मतलब क्या है, जो तो ब्लू कलर का ये लाइन बनेगा तो उसका मतलब होगा ये बॉयज़ है, कोई लड़का है, और पिंक कलर मतलब लड़की है। इसके जेंडर को भी हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, जेंडर को चेंज करने का भी ऑप्शन है, मेल फीमेल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर भी मैं चाहूँ तो मेल फीमेल चेंज कर सकता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पर चाहिए था मेल, इधर मेल कर दिया, उधर पे एक फीमेल इधर मेल, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया फाइनली, ओके डन। तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, ये फाइन, ये हो गया इधर पे सेटिंग, फिर ये तो हो गया। कुछ मैं सोच रहा था, कुछ पीपल इसके ऊपर भी हम लोग सेटिंग करा सकते हैं, मगर हम लोग को अपने व्यू में देखना होगा, अपने व्यू में वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें दिखाई देगी तब जाके उधर बनाने का मतलब है, ये तो बेकार में हम लोग रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरे को जैसे लग रहा है कि ये सेटिंग में थोड़ा बहुत नज़र आ सकता है, हल्का फुल्का ऐसे लग रहा है कि नज़र आ सकता है, तो इधर पर भी एक सेटिंग पे दे सकते हैं हम लोग। तो फिर उस सेटिंग पे भी चलता है, तो यहाँ पर भी मैंने क्रिएट कर दिया, इधर पे भी गर्ल्स ही आई है आई थिंक, तो उसको भी जेंडर चेंज कर सकते हैं। जेंडर चेंज करने का ज़्यादा कुछ नहीं है, इधर पे मेल फीमेल हम लोग चेंज करते हैं तो इजीली हो जाता है, इतना कुछ इश्यू नहीं है इसमें।
इधर पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ कौन से सॉफ्टवेयर में, 3D Max 2017 में, 3D Max 2017 2020 20 नहीं यूज़ कर रहा हूँ ना, 21 यूज़ कर रहा हूँ मैं पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2017, तो उसके अंदर ही मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ, अपने पीपल्स क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और भी जाके देख लेते हैं, और भी एंगल में नजर आ रहे हैं क्या। कुछ एक और चीज कर सकते थे हम लोग कि यहां से इसके बीच में से कोई एक पीपल्स निकल रहा है, अंदर से चलते हुए आ रहा है यहां तक, तो वो भी हम लोग देखते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि इस छोटे से एरिया में यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा कि इतना पतला जो लेंथ है, ये इतना पतला लेंथ बन सकता है कि उतना पतला सा हमारे लिए क्रिएट हो सकता है कि इसका इसका डिस्टेंस कितना है। इसका डिस्टेंस कुछ हो रहा है 500-600 के आसपास, नहीं सॉरी 500-600 नहीं, ये कुछ हज़ार के आसपास है, ठीक है 1000 के आसपास हम लोग को, अगर मैं ले लूँ यहाँ पर तो एक वन वेव तो क्रिएट हो सकता है क्या, नहीं क्रिएट हो सकता है? देखते हैं। 1000 का ले लिया, मेरे को चाहिए कि यहाँ से चलते हुए एक बंदा बाहर आए, यहाँ से आते हुए इस इधर पे, सॉरी ये वेव को मुझे थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, तो बंदा यहाँ से दे, दे, तो यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, इसका एरो क्रिएट हो चुका है। अभी यहां पर क्या है कि एक ही बंदा है, एक बंदी है, तो इधर पे इसके मेल फीमेल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मेरे को मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को मेल ही चाहिए तो मेल में इधर ट्रैक कर दूंगा, तो इधर पे मेरा मेल ही आएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पर अभी हमारा आई थिंक सो थोड़ा सा हम लोग को इसका भी देखना पड़ेगा, कहीं हवा में तो नहीं क्रिएट हो गया है। क्रिएट इसको हमें नीचे लेके आना पड़ेगा, अपने कैमरा एंगल में देख लेते हैं। ओके मूव करते हैं नीचे की तरफ लाइक दिस, थोड़ा सा रो करूंगा तो ये यहां पर आ जाएगा फाइनली। ओके तो फिर अभी हम लोग इसको तो जनरेट करते हैं। एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपनी फाइल को, फिर इसको जनरेट करते हैं। अभी हम लोग जनरेट करके देखते हैं कि कैसा आया है लुक और कैसे क्रिएट हुआ है यहाँ पर। अभी यहाँ पर करते हैं हम लोग सिमुलेट पे क्लिक करते हैं। जैसे सिमुलेट पे क्रिएट करेंगे वो सारे सारे पीपल जो सिटिंग पीपल्स है एंड साथ में जो वॉकिंग पीपल्स है सबको वो जनरेट करेगा जिस जगह पे हम लोग ने पाथ दिया है। ओके ये सारे सारे जनरेट हो चुके हैं। अभी इसको मेरे को चला के देखना है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ओके ये भी ओके है, एक बंदा वहां से आया, दूसरा बंदा भी वहां से आ रहा है और कहानी खत्म। ठीक है सही है, परफेक्ट फाइनली। अभी देखो वहां पर भी कुछ लोग बैठे हैं और यहां पर भी, एंड वहां पर भी कोई रिसेप्शनिस्ट या मेन या वुमेन कोई तो बैठा है। एंड तो एक बार हम लोग रेंडर करके देखते हैं कि कैसा लुक आ रहा है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बाहर निकलते हुए
अभी इसके अंदर रेंडर करने से पहले जो चीज़ें हम लोग को सामने आने वाली है सीन में, जो पीपल्स हमको सामने दिखने वाले हैं उस सीन में, उनको मैं उनका रेजोल्यूशन बढ़ा लूँगा। स्विच टू रेजोल्यूशन, उन लोग के रेजोल्यूशन को हाई कर दिया मैंने ताकि उनकी क्वालिटी काफ़ी बेकार ना दिखे। जो काफ़ी दूर है तो उन लोग के रेजोल्यूशन बढ़ाने की जरूरत नहीं, जैसे कि ये भी बंदा दूर है इसको बढ़ाने की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर है उतना विजिबल हो रहा नहीं है। जैसे कि ये भी बंदा काफ़ी दूर है, अगर इसको भी अगर बढ़ाना पड़ जाए तो उसको भी बढ़ा देंगे रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको रेंडर करके देखते हैं कि कैसा लुक आ रहा है। तो ठीक है, मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ कैसा ये दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ पर हमारा रेंडर आ चुका है, ये देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है और इसमें पीपल्स भी आ गए, काफ़ी लाइव आ गया है, काफ़ी लाइव ऐसे लग रहा है कि ओ माय गॉड जैसे असली में इंटीरियर के पास में हूँ, ठीक है। तो ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी रियलिस्टिक दिख रहा है और काफ़ी ठीक दिख रहा है और काफ़ी फ्री में मिल रहा है। 3D Max के साथ में फ्री में आते हैं पीपल्स, उसको ही यूज़ करके मैंने इधर पर डाला हूँ, कोई भी एडिशनल पीपल्स इसमें डाला नहीं हो, यानी कोई भी एडिशनल बाय करके पीपल नहीं है, जो फ्री में आता है साथ में 3D Max के साथ में डिफ़ॉल्ट वही पीपल्स है इसमें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्टिल इमेज किस तरह का दिख रहा है, पूरे पीपल ऐड करने से क्या लुक कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी अभी तो क्या है कि अभी आपने ये तो देख लिया कि स्टिल इमेज कैसे निकालता है, और आपको अगर जानना है कि इसका वर्क थ्रू कैसे निकालता है, जैसे कि अभी ये तो एनिमेट हो रहा ना, यहाँ पर ऐसे ये पूरा वीडियो निकल जाए तो क्या बात हो, अगर ये वीडियो कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो फॉर्मेट में कैसे निकालते हैं। ये तो स्टिल इमेज तो आपको समझ, सीधा रेंडर निकालो स्टिल इमेज आ गया, मगर इसका वीडियो कैसे निकालेंगे अगर आपको ये जानना है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, pixivy.com पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा कैसे आप इस कर सकते हो। वो छोटा सा ही ट्यूटोरियल है, उसका कुछ प्राइस 200 या 300 रुपया रखूँगा मैं, तो वो आप वहाँ से बाय कर सकते हो इस ट्यूटोरियल का। इसको हम लोग रेंडर कैसे करेंगे वर्क थ्रू को, यानी वक्त ये पूरा पूरा वर्क थ्रू रेंडर कैसे करते हैं, क्या सेटिंग रखनी पड़ती है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है, और साथ में कैमरा हल्का सा एनिमेट भी करेंगे उसके अंदर, उस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा और रेंडरिंग करना दिखाऊंगा, ठीक है। अगर वो आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर जाके आप बाय कर लीजिए वो ट्यूटोरियल, पूरा फुल टू हिंदी ट्यूटोरियल होगा, साथ में आपको ये प्रोजेक्ट फाइल भी उसमें मिल जाएगी, ये पूरा कंप्लीट किया हुआ उसमें, ठीक है। तो फिर बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि इस तरह से हम लोग अपने सीन के अंदर पीपल ऐड कर सकते हैं, वो भी 3D Max के डिफॉल्ट वाले पीपल यूज़ करके, वो भी काफ़ी आसानी से। और अगर आपको 3D मॉडल चाहिए अच्छी क्वालिटी वाले, जैसे कि 3D मॉडल देख सकते हो, ये जो पूरा पूरा सीन है ये भी 3D मॉडल्स ही है, पूरा कंप्लीट 3D मॉडल्स, इस तरह के कंप्लीट सीन आपको चाहिए, या फिर कुछ फर्नीचर्स वगैरह, कुछ अलग अलग फर्नीचर्स वगैरह कुछ चाहिए, तो आप pixivy.com पे आप जा सकते हो, लोएस्ट प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के मॉडल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अपने व्यू में लगाइए, व्यू में डालिए, आपके व्यू को रियलिस्टिक बनाइए। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।